And a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम start करने वाले हैं daily current affairs quiz 29 of November के. और ये videos आपको रोजाना सुबह 7 से 8 के बीच में उपलब्ध हो जाती है. अगर आपको notifications नहीं आते हैं तो आप हमारे playlist में check कर सकते हैं. And ये video जो है, आप जितने भी government job के aspirants हैं ना, आप सबके लिए ये helpful है. आप इसे ईजिली रेफ़र कर सकते हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो ईज़िली मिल जाए. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि छऊ और पाइका ये दोनों लोक नृत्य हैं और ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के लोक नृत्य हैं. तो ये झारखंड राज्य के लोक नृत्य हैं. ठीक है, तो हमारे तो झारखंड का ये छऊ और पाइका जो है झारखंड राज्य का है. एंड आज चलिए अब मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि बिहू और कली गोपाल, बिहू और कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए बिहू और कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है. ठीक है, अब आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया. हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और इन्होंने नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है. तो ये कौन है, इनका नाम है सुनील अरोड़ा. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी सुनील अरोड़ा. 26 नवंबर को इन्हें रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किया गया था एंड 2 दिसंबर को ये अपना प्रभार संभालेंगे. और ये जो है राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है सी सुनील अरोड़ा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम. किस पोर्टल को दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रसंस्करण करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है. समझ में आ गई चीज़ें. देखो ये एक पोर्टल है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत. इसमें मान लो जो भी बच्चे जिन्होंने ऋण लेके रखा है, अब उसका ब्याज अनुदान प्रसंस्करण करने के लिए एक मंच दिया है भारत सरकार के द्वारा, मतलब हमारी भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है. तो मैंने पूछा कि ये पोर्टल का नाम क्या है. इस पोर्टल का नाम है पैसा. हमारा ऑप्शन हो जाता है ए पैसा. ठीक है, और ये इलाहाबाद बैंक ने इसे डिज़ाइन किया है और 26 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है. और पैसा का फुल फॉर्म समझ सकते हो, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस. ठीक है, ये मैंने फुल फॉर्म रखा है, आप इससे ध्यान रख सकते हो. तो याद रखिएगा ये पैसा है. हमारे ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है. मतलब नासा का एक यान है जो मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस सफ़र को पूरा किया है. इसका नाम है इनसाइट. नासा का इनसाइट जो है ना, ये मंगल ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतर गया है. और ये यान 26 से 27 नवंबर की रात को, और अगर हमारे इंडिया का टाइम ले लीजिए तो रात के 1:24 पर ये मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था. तो हमारे ऑप्शन होते हैं ए इनसाइट. ये याद रखना है कि नासा का ये यान जो है जो मंगल ग्रह पे पहुंच गया, इसका नाम है इनसाइट. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा पंजाब में डेरा बाबा नामक करतारपुर साहिब रोड गलियारे के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई. ये किनके द्वारा पंजाब में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब रोड गलियारे के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई. तो ये रखी गई हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा. तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे, सी वेंकैया नायडू. अब देखिए, जब से हमने गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की है तब से ये चीज़ें बहुत न्यूज़ में थी. तो हम समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या. तो ये पता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जयंती जी की, गुरु नानक जी की हमने 550वीं जयंती सेलिब्रेट की 23 नवंबर को. तभी मोदी जी ने ये कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को बनाया जाएगा. ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर को बनाया जाएगा. ये वही जगह है जहां गुरु नानक जी ने अपनी आखिरी जीवन के 18 वर्ष व्यतीत किए थे. तो अब हम यहाँ बात आती है कि ये डेरा
करतारपुर साहिब जो है ना, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में रवि नदी के पास स्थित है। और डेरा बाबा नामक तीर्थ स्थान जो है ये आपका लगभग 4 किलोमीटर वहाँ से दूर है। तो अब देखिए हमें ध्यान क्या रखना है कि इस प्रकार इससे लाभ क्या हुआ कि करतारपुर गलियारे का निर्माण पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुर से भारत के गुरदासपुर सीमावर्ती जिलों को जोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह एंड गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ों को आराम से समझ जाना है। और ये वेंकैया नायडू जी के द्वारा इनकी आधारशिला रखी गई, हमारे ऑप्शन है सी वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस राज्य में हमारा वोट हमारा भविष्य पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? वो कौन सा राज्य है जहाँ हमारा वोट हमारा भविष्य पर 5 दिनों का एक प्रदर्शनी हुआ और उसका उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ हैदराबाद में, हमारा ऑप्शन हो जाता है ए हैदराबाद। और इसमें इन्होंने देखिए जो मतलब लाइक इनका उद्देश्य ये था ना कि मतदान मतलब वोट की जो परसेंटेज है उनको बढ़ाया जा सके, तो ये तेलंगाना के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना डॉक्टर रजत कुमार, इन्होंने हैदराबाद में 26 नवंबर को ये इसका उद्घाटन किया। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में दुनिया का पहला भूमिगत लग्जरी होटल खोला गया? देखिए यहाँ मैंने पिक्चर भी मेंशन किया है, ये इस होटल की पिक्चर है। ठीक है, ये एक लग्जरी होटल है, भूमि के अंदर है, मतलब ये ज़मीन के अंदर है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं था। तो ये कौन सी देश है जिन्होंने दुनिया का पहला भूमिगत लग्जरी होटल खोला है? तो ये है चीन। ये होटल जो है ना ये चीन में खुली है, 20 नवंबर को मतलब इसका उद्घाटन हुआ था। एंड कॉन्टिनेंटल संघाई, बदरलैंड संघाई और चीन के जो दक्षिण पश्चिम एरिया है इस जगह को कवर करते हुए ये पहला भूमिगत लग्जरी होटल खोला गया है। तो बस ये ध्यान रखना है कि पहली बार जो ज़मीन के अंदर जो एक होटल लग्जरी होटल खुली है ये किस देश के द्वारा हुई है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। हमारा ऑप्शन हो जाते हैं डी चीन। आप यहाँ इस होटल की पिक्चर्स भी देख सकते हो क्लियरली, देखो यहाँ तक ज़मीन का एरिया है और ये ज़मीन के अंदर है मतलब भूमिगत रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनके द्वारा मानव उत्कृष्टता 2018 के लिए श्री सत्य साई पुरस्कार प्रस्तुत किया गया? तो पहले तो ये जान लीजिए कि सत्य साई पुरस्कार अगर हम किन्हीं को देते हैं तो ये किस लिए दिया जाता है? देखिए सत्य साई पुरस्कार क्या होता है ना, ये उन व्यक्तियों को पहचानता है, मतलब उन व्यक्तियों को ये दिया जाता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाज को ऊपर उठाने के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से वो उनका एक ऐसा योगदान है जिससे समाज का हिस्सा ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो उन्हें ही श्री सत्य साई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अब इस बार का जो मानव उत्कृष्टता 2018 के लिए जो सत्य साई पुरस्कार दिया गया है ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी वेंकैया नायडू जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने बेंगलुरु में CII एग्जीम बैंक बिजनेस अवार्ड जीता? CII एग्जीम बैंक बिजनेस अवार्ड जो है ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जीता है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड इन्होंने अपनी गुणवत्ता, देखिए बैंगलोर में ये गुणवत्ता शिखर सम्मेलन हुई थी और उसमें उन्होंने रोल मॉडल संगठन होने के लिए इस अवार्ड को जीता है। और सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें बस आप इतनी सी चीज़ याद रख लीजिए कि ये नहीं पूछा जाएगा कि बैंगलोर में हुआ है या दिल्ली में हुआ है। बात ये है कि CII एग्जीम बैंक बिजनेस अवार्ड किसे मिला है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। क्लियर है चीज़ें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों के लिए पहला मोबाइल फ़ोन स्टार लॉन्च किया? ये थोड़ा समझ लो, देखो ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने बच्चों के लिए भारत का पहला मोबाइल फ़ोन स्टार लॉन्च किया है? मतलब इसके पहले भारत में ऐसा कोई फ़ोन नहीं था बच्चों के लिए, तो स्पेशली कोई फ़ोन है नहीं। ठीक है, तो देखिए फीचर फ़ोन निर्माता इजी फ़ोन ने इसे लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शन तो हो गए ए इजी फ़ोन। अब देखिए ये बच्चों के लिए भारत का पहला मोबाइल फ़ोन है जो इजी फ़ोन ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या है ना,
ये जो है ये बच्चों को पूरी तौर से सुरक्षित रखेगा और उन्हें माता पिता से जोड़े रखेगा, क्योंकि उसमें जीपीएस का सिस्टम है। एंड फिर बहुत बहुत ही एक्स्ट्रा इसमें कुछ कुछ तकनीकें हैं जो भारत में अभी तक कहीं नहीं देखा गया है। जो माता पिता अपने बच्चों के एड्रेस को हैक कर सकते हैं, तो ये और बच्चे भी उसमें सुरक्षित रहेंगे क्योंकि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ कुछ यूज़ हुई है। तो बच्चों के लिए अगर बात आती है मोबाइल फ़ोन की, तो याद रखना ये इजी फ़ोन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? अबू धाबी की में जो ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था, अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और वहाँ ग्रैंड प्रिक्स चल रहा था। तो वहाँ ये किसने जीता? ये जीता मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज़ के हैं एंड लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अब देखो ये 5 बार ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑप्शन है सी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है हमारा, किस अभिनेता और राजनीतिज्ञ जिन्हें लोकप्रिय रूप से विद्रोही स्टार के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है? मतलब ये कौन से अभिनेता है जिन्हें लोकप्रिय रूप से विद्रोही स्टार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनका निधन हो गया है? इनका नाम है MH अबरंस। देखिए ये 66 साल के थे एंड बैंगलोर में फेफड़े और किडनी के संक्रमण के कारण इन्हें इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इस कारण से इनका निधन हो गया। तो ये है ऑप्शन ए। अब ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 29 नवंबर के। आपको याद रखना है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बिहू और कली गोपाल, ये दो नृत्य हैं और ये दो नृत्य किस राज्य के हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बिहू और कली गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलेंगी कि हाँ मैं इससे और बेहतर आपके लिए ये वीडियोस ला पाऊँ। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।